दुनिया का पहला ज्योतिषी ज्योतिषाचार्य श्री अतुल छाजे। संपर्क क्रमांक 9762475528। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शेख साहब के होंगे, क्योंकि प्लान ये मीटिंग नहीं थी। हमारे पूरा दौरा था गंगापुर की मीटिंग के बाद, कल मुझे अकोला जाना है भारत पटेल जी के चुनाव प्रचार के लिए। आज कोई डिनर के बाद कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन शेख साहब ने बताया कि मैंने कुछ अपने साथियों को यहाँ पे कम्युनिटी के लीडर्स को यहाँ बुलाया है। मैंने तुरंत पहले भी मैं जब भी शेख साहब ने न्योता दिया बुलाया, मैं हमेशा शेख साहब के घर आता रहा हूँ। तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे बहुत अहम बातें आप सभी ने कही। करीब करीब सभी बातों से मैं ताल्लुक रखता हूँ, मैं सभी बातों को मैं मानता हूँ। तो ये हालात आपने बहुत सही तरीके से आपको पेश किए। मैं जब मुख्यमंत्री था तो हमने कुछ किया, उसमें से कुछ बातें हम पूरी कर सके, कुछ नहीं कर सके। उसमें से औरंगाबाद का हज हाउस जो उसमें बहुत ही दिक्कत वाला मसला था, वंदे मातरम हाउस और हज हाउस का भी दोनों का ठीक तरह से करके दोनों को साथ लिया, और एक देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको साथ में लाने की कोशिश की। अभी ये इस सरकार ने उसको कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, जानते हैं, इसलिए अभी तक काम पूरा नहीं होगा। तो उसका जो इनॉग्रेशन है वो हम ही करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो बुनियाद है वो सेक्युलरिज्म पर आधारित। हो सकता है कि सभी तबकों का जो हम चाहते थे उतना हम नहीं कर सके, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि चुनाव में टिकट देने की बात होती है, वो जीतने की बात होती है, क्या मनोरंजन का आदमी देते हैं। मैं अकोला की आपको बात बताता हूँ, विधायक भाई से लेकर सबसे बात की, उन्होंने कभी हमको मत दीजिए टिकट, क्योंकि हमें वोट दोगे तो कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी वोट नहीं, सारे वोट आपके कैंडिडेट को देंगे, लेकिन ना आप किसी अच्छे कैंडिडेट को दीजिए, मराठा कम्युनिटी को करा जो वहाँ पे अकोला वाले ने सलाह। लेकिन हमारा मानना कमेटी में था कि बिल्कुल देखिए गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि एक दो भी हम मिनॉरिटी के कैंडिडेट्स को, महिला कैंडिडेट्स को हम टिकट नहीं देंगे और ओपन सीट से किसी दलित को नहीं देंगे, तो मैसेज गलत जाएगा। हमने कोशिश की, यहाँ भी कोशिश हुई, उस पॉलिटिक्स में मैं नहीं जानता, बहुत बुरा खराब हो जाएगा, लेकिन हमने बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हमने कोशिश की कि भाई यहाँ से औरंगाबाद जिले से, जालना कॉन्स्टिट्यूंसी से, औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई माइनॉरिटी लीडर लड़े, हमारे पास था एक लीडर, इसलिए था कह रहा हूँ कि तो नहीं बात करी। हाँ कहने के बाद मेरे सामने बात हुई थी कि हाँ हम यहाँ से लड़ेंगे, जालना से लड़ेंगे, लेकिन नहीं बात। फिर हमने फिर से हिदायत भाई को हमने गुजारिश की कि भाई आपको लड़ना पड़ेगा, उनकी तैयारी नहीं थी, उनकी मेंटल प्रिपरेशन नहीं थी। पिछला चुनाव में काफ़ी ताकत से लड़ा, प्रकाश अम्बेडकर को पीछे देखते हुए, लेकिन हमने फिर उनको कहा कि शायद आज माहौल और भी अलग है, जितना कि आशा है मुझे लगता है कि बात सही है। आपने जो बात कही उसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जो आदमी, मैंने कहे तारीख में कभी कभी ऐसे आदमी जैसे ऐसे लीडर निकलते हैं, एक बार जर्मनी में एक लीडर बना था, उसके बाद भी क्या है कि वो, लेकिन खतरा ये है कि तो दोनों जगह पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से चुनाव लड़के ही लोग आ गए। जैसे यहाँ पे मोदी आए, सुन क्या आए थे, बहुमत से आए थे, 30 साल के बाद उसको अक्सरियत पूरी अक्सरियत कहते हैं,
और उसके बाद जो भी हुआ आपने 5 साल में देखा, वही हिटलर की बात, हिटलर भी पार्लियामेंट भी चुनाव में जीता, उसको भी अक्सरियत नहीं मिली थी, इसलिए उसके चांसलर हिंडनबर्ग ने कहा चलो तुम प्रधानमंत्री बनो, और एक बार उसके हाथ में सत्ता आई, उसके बाद क्या हुआ कार्यकारी जाना। आज जो पॉलिटिकल हालात बने हैं इसी बात पे बने हैं कि क्या इस देश में जमहूरियत रहेगी, चुनाव रहेंगे, इलेक्शन होंगे, वोटिंग होगी या नहीं होगी, और जो देश की जो सेक्युलर छवि है, सेक्युलर जो हमारी आईन है उसको कायम रखा जाएगा या फेंक दिया जाएगा, तो वाकई में खतरा होना हुआ। इसलिए 23 पार्टियाँ साथ में आके हमारी कोशिश रही है कि एक के खिलाफ एक खड़ा हो, चाहे कम्युनल पार्टीज का कोई एक हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे मदद करने वाली पार्टी, मैं जानबूझ के उस पर आता हूँ, मदद कौन कौन करता है। आप जानते हैं कि पहले तो नरेंद्र मोदी ने उसको ज़्यादा कोई सीरियसली लिया नहीं, हवा में था, नहीं मुझे कोई कार्यकर्ता भी इतनी ज़्यादा अक्सर, लेकिन उसका पहला झटका लगा यूपी में जब बसपा और सपा साथ हो गए, जो किसी ने सोचा नहीं था कि होगा, हम भी नहीं सोचते, इतने उनका टकराव था कि शायद रात आई थी, लेकिन सिर्फ इसी बात पे कि मोदी से बचना है, देश को बचाना है, इस बात पे 3 लोकसभा के बाई इलेक्शन के दोनों पार्टियां साथ हो, नतीजा आपने देखा, तो तीनों सीटों, एक दो सीटें तो सीएम और डिप्टी सीएम की सीटें तो वहाँ भी हार गए, और जब उन्होंने ऐलान किया कि हम यूपी में पूरा साथ जाएंगे, बंटवारा कर दिया, कोई झगड़ा नहीं हुआ सीटों के बंटवारे की बात नहीं, तब और उसके उसी समय उसके आसपास के कुछ देर के बाद ही 5 सूबों के चुनाव हुए, विधानसभा के राज्यों के चुनाव हुए, और उसमें 3 राज्यों में भाजपा का बहुत बड़ा कि हार हुई है, उसके कारण कई है, उसके कारण किसान की हालत वो भी एक कारण है, लेकिन हार हुई है तब से ये हिल गया, तब से उनको समझ आया कि भाई अगर ये अलायंस बन गया, 23 पार्टी का बनेगा, तुम्हारा नेता कौन होगा, हमारा मोदी है, ये सब कहने के बावजूद भी हम नहीं उस पर ताल में फंसे, हमने कहा नहीं चुनाव होने तो फिर हम बैठे, जब ये हुआ तो उनको समझ आया कि अब इनके तो ये इस अलायंस के वोट काटने पड़ेंगे, अलायंस जो हमारे होने हैं उनको करना पड़ेगा, जैसे शिवसेना का अलायंस इतने झगड़े के बाद, इतने गाली गलौज के बाद, किसी ने नालायक कह दिया सरकार ने, क्या क्या कह दिया उसके सामना के एजेंट के साथ देखते, फिर भी उन्होंने साथ में लिया, उसके कारण कई सारे हैं, लेकिन वो समझ गया कि भाई हम अगर अलायंस चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं किया और टूट गया अलायंस, बड़े अरोगेंट आदमी, बहुत ज़्यादा अरोगेंट आदमी है, किसी को वो इज्जत से नहीं बचता, तब उनको समझ आया कि नहीं ये गलत हाथ से निकला जा रहा है, इसलिए उन्हें शिवसेना को समझ, उनकी दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी थी तो प्रकाश अम्बेडकर और ये वंचित आघाट। अब प्रकाश अम्बेडकर और वंचित आघाट इसमें हिमायत भी है, उनका एक ही मकसद है कि जो भाजपा के खिलाफ जो जो दल लड़ रहे हैं, 30 पार्टियाँ लड़ रही कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ, उनके वोटों में बंटवारा किस तरह किया और इसमें वो सक्सेसफुल हो गए। तो मेरा तो साफ मानना है, मैं तो कई मीटिंग में कहता हूँ, ये सिर्फ बीजेपी की टीम नहीं, बी टीम नहीं है, इनमें पैसे का लेन देन हुआ, और आप जितनी ज़्यादा सीटें लोगे पर सीट का रेट तय हुआ है, और ठीक है प्रकाश अम्बेडकर से मैंने पिछली बार भी डील किया था, अकोला की सीट देने के लिए और भी आप ऐसे सीट देखा था लोकसभा, उनकी कुछ और ही बात है। तो मुझे जो अपनी जो जो यहाँ पे तकरीर की है, जो बातें रखी हैं सामने, कई बातों से मैं सहमत हूँ, हो सकता है कि इमाम जिससे पार्टी है और जो उस तरह से उनके लीडरान तकलीफ दे करते हैं, हमारे माइनॉरिटी के मुस्लिम बच्चे विशेषकर नौजवान उन पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये तो कोई दौरा नहीं था, कुछ भी मना कीजिए बात से। अब बात यह है कि वो भी समझ रहे हैं कि अगर हम वोटों का बंटवारा करेंगे तो शायद मोदी का कैंडिडेट पीछे। आज मैं मानता हूँ कि चंद्रकांत खैरे के खिलाफ वातावरण है, चंद्रकांत खैरे मेरे साथ लोकसभा में 10 साल, मैं जानता हूँ लोकसभा में काम किया, यहाँ के काम किया कि जो मानसिकता है वो कॉपरेटर से दूर है, औरंगाबाद के लिए कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी कुछ
ऐसे समीकरण बन जाते हैं कि कांग्रेस के आपसी झगड़े वो जीतता जाए, हम नहीं जीत रहे क्योंकि एक तरह से अपनी जीतेगा। मैं बता ये नहीं कि हम हमारा सारा वो नहीं जीतेगा क्योंकि दानवे ने उसके खिलाफ रिबेल खड़ा कर दिया। हर्षवर्धन यादव की पार्टी का कुछ भी नाम हो वो बीजेपी का रिबेल, अब वो खुद सदर होने के कारण वो बीजेपी का रिबेल तो खड़ा नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने कुछ पार्टी वार्टी का नाम दे के सारे पैसे वैसे दे के हमारे लोगों से बातचीत करके उसको बातचीत लोग रिबल है, तो जो हिंदुत्व के वोट हैं वो थोड़े बटे। तो क्या फिर हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है? क्या नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आज हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं और मुस्लिम जो हिंदुत्व आप लोग भी हैं वो यही सोच रहे हैं कि मोदी को कौन हराएगा। जो मोदी को हराएगा जिसके चांसेस उसको वोट मिलेंगे चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर कांग्रेस का कैंडिडेट उस हालत तक नहीं पहुंचा कि भाई ये मोदी को हटा दे तो शायद हमारे मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम शहरी सोच सकते हैं कि मोदी को तो हराना है, अगर ये जीत जीत सकता तो क्या तहमाय मौला जीत सकता है, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो सब गड़बड़ होता है। इसलिए सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से ये कि हमें पहले तो ये आगे सामने बात लानी पड़ेगी कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है, और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का कैंडिडेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन अचानक सीटें तय हुई है, सीटों के पहले क्या क्या नाटक वो आप सबने बहुत करीब से देखा है, हमारे काफ़ी सारे दिन बर्बाद हो गए हैं, हमारे कई सारे लोग अभी अभी अनिल पटेल साहब अभी कल ही बने परसों ही बने, उन्होंने अभी तक पूरा हर बार भी नहीं तो अब ये उनको सबको ये पूरा कैंपेन का कंट्रोल लेना पड़ेगा, जब वोट कम हो जब कुछ हो, और हमें ये माहौल बनाना पड़ेगा कि वो जीत रहे हैं, वो आगे और सबसे आगे। अगर वो नहीं हुआ तो मुझे डर है कि शायद और किसी कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा यहाँ पे वोट मैम को नहीं जगह लगता, और वहाँ पे देखिए वो मैम की लीडर में आके आया था, उन्हें पहले कहा था कि मैम का कोई बंदा नहीं खड़ा रहेगा, यहाँ पे उन्होंने का अलग वो किया है। तो यहाँ के हमें असल में खतरा है कि अगर हमारे माइनॉरिटी के वोट अगर उसको चले गए वो खैरे को जी आएंगे, एक भी वोट नहीं जाएगा, मैं मानता हूँ कोई मतलब मोदी के लिए भी करेगा, लेकिन मोदी को कौन हरा सकता है ये जो मुद्दा है, इसमें आपको क्लियरली कहना पड़ेगा कि मोदी को हराने का चांसेस उसको नहीं है, तो और बाकी सारे लोग नहीं वोट देंगे, जान बूझ के कर रहा है, उकसाने के लिए कर रहा है, वो पूरे इलेक्शन का एजेंडा सबका साथ सबका विकास गायब हो गया, क्योंकि वो जानता है कि मैनिफेस्टो पे अगर बात होगी तो वो हार जाएगा, उसके कहने को कुछ बात नहीं है, उनके सारा नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा पाकिस्तान अटैक एयर अटैक और इतना तक कहा कि आशे पड़ी अभी तक उसके बातों में ख़त्म नहीं हुआ है, तभी आदमी कह रहा है कि नहीं मुझे वोट दो, जो हमारे मार्टर्स हुए हैं जब इलेक्शन कन्वेंशन ने कहा कि कोई भी वोट नहीं मिलेगा फिर भी वोट आ रहे हैं, तो ये तुला हुआ है कि देश को बांटने के लिए आदमी तुला हुआ है, और मैं ये मुश्किल है काम है समझता हूँ औरंगाबाद में विशेषकर एक बहुत पावरफुल माइनॉरिटी का कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़ा है, तो मतलब ये मैं इनका खिलाफ वो उसके साथ है, चाहे उनको फंडिंग कौन कर रहा है, औरंगाबाद की इनकी काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई प्रकाश अम्बेडकर के माइंड की, किसने फंडिंग की, सारी मीटिंग के सारे हेलीकॉप्टर घूम रहे बड़ी बड़ी, एक एक मीटिंग का खर्चा 70-80 लाख रुपए कौन कर रहे हैं, अम्बेडकर कर रहे हैं या एमएम कर रहे हैं, इनको कौन फाइनेंस कर रहा है, इनको सारा फाइनेंस ये मोदी और ये बीजेपी कर रही है, तो उनको ये दिखाना है कि लोगों इतनी बहुत बड़ी पार्टी ताकि और लोग, तो ये खतरा तो है, इलेक्शन टैक्टिक है, मोदी करेगा उसको अपने जीतने वो अपनी चाल चलेगा, हमें उसका कैसे हमको डिफेंड करना है कैसे लोगों को समझाना ये हफ्ते हैं, मैं समय तो मैं हमारे साथी जो हमारे दोनों सदर यहाँ बैठे हैं बताऊँगा कि आप इन सभी साथियों को भाइयों को जो यहाँ जमा हुए हैं और ये दिल से चाहते हैं शिवसेना को हराना मोदी को हराना, इस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन अब ये बात है कि अगर कोई नौजवान मुस्लिम नौजवान सोचता है कि नहीं ये कांग्रेस पार्टी इतनी एग्रेसिव नहीं है हमारी बात कहने में, तो ये हमारे एमआईएम वाले ज़्यादा एग्रेसिवली कह रहे हैं उनके पीछे चले गए तो कुछ का कुछ हो जाए, तो इनको ज़्यादा वोट मिलने से अगर खैरे पर जीत गया एक सांसद अगर बढ़ गया तो मैंने खुद लोकसभा में देखा एक वोट से वाजपेयी की सरकार की सिर्फ एक वोट से, तो एक वोट कोई कम है ऐसे कोई समझने की जरूरत है, बहुत सारी बातें हैं, हम अपना डायलॉग चालू रखेंगे, मेरी गुजारिश ये है कि आप यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस से कम करें, हमारा कुछ पूना का झगड़ा है नहीं वो सब वहीं रहते पूछे यहाँ पर कुछ मत करें, यहाँ पर बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हम बिल्कुल दोनों पार्टियाँ साथ में लेके, मैं नामदेव पवार जी को अनिल पटेल को बोलूँगा कि आपके दोनों जो सदर हैं
को साथ में लेके वोटर लिस्ट है, बात की करिए, पूरे एक दूसरे में भरोसा रख के चुनाव लड़ेंगे, तभी आप आगे इसका मैसेज सही जाएगा कि आपको वाकई में इनको हराना चाहते हैं। और अब राहुल जी देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज सब जगह एक और पॉइंट बुलेटिन निकला है कि सभी नेताओं के लिए, हमारे मुझे भी खबर जाए पुलिस की भी गाड़ियाँ, एक दो गाड़ियाँ ज़्यादा रखो, कुछ आदमी साथ ज़्यादा रखो, राहुल जी को खबर आई है कल राहुल जी के सर पे कोई डॉट आया था, मतलब ये कुछ भी कर सकता है, ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमको सब बुलाया, काफ़ी देर हो गई, आप भी लग रहे हैं, शेख साहब को तो आदत है देर तक, मुझे भी आदत है देर तक, बैठने वाले पूरे पीने में शेख साहब की तबीयत ठीक है, आज तबीयत ठीक ना होते हुए उन्होंने आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आदत करता हूँ। एक अच्छी बात है कि उससे मैं समझता हूँ भाई उनका ये नहीं कि हिंदुत्व के जो वोट थे वो थोड़े बढ़ जाए, और पहले के बारे में बहुत नाराजी है, 20 साल उसको हो गए, तो क्या काम किया और क्या नहीं उसके बारे में तो मैं भी रेस्पॉन्स में भी बोला और जगह भी बोला, तो हमारा एक बहुत अहम काम क्या है कि हमें ये दिखाना पड़ेगा, आप जब तक सारे कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं होंगे कि हम बिल्कुल कांग्रेस के साथ हैं, तो कांग्रेस ही देश में हटा सकती है, आज मोदी के कैंडिडेट को हराना पड़ेगा। मेरा एक मानना है कि मोदी फिर से वजीर आलम नहीं बन सकते, पूरा मानना है, इसका कारण क्या है, इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका कारण ये है कि जो यूपी में अलायंस हुआ है, जो सब जगह अलायंस हुआ, कर्नाटक में हमारा अलायंस हुआ, कई सारे अलायंसेस है, उससे उसके वोट बहुत कम हो गए, जो हिंदी हार्टलैंड है, हिंदी राज्य है, उसको जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक मैं मानता हूँ, जिसमें कि 273 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से मोदी को 223 सीटें थी, उसी एरिया में मोदी 100 सीटों से नीचे उतरे और उनको कहीं भी एक भी सीट आगे मिलने का कोई मतलब नहीं है। अगर मोदी की पार्टी बीजेपी इतने बलबूते पे 170 तक आएगी तो उनका फिर पूरा 273 तक पहुँचना नामुमकिन है, साथ में आएगा तो ना मोदी बनेगा ना कोई गडकरी वडकरी कुछ बनेगा, गडकरी तो शायद जीतने के पहले तो जीतेगा कि नहीं वहाँ से सवाल, लेकिन और कोई नहीं बनेगा, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि ये सरकार बनेगी, ये सेकुलर सरकार बनेगी, कौन इसकी सदारत करेगा, कौन उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो आगे हम देखेंगे, और ये कहना भी जो अफवाह फैलाया जा रही है कि अगर ये खिचड़ी सरकार बनेगी तो नहीं चलेगी नहीं जाएगी, देखिए 1984 के बाद एक भी सरकार पूरे भवन की नहीं, हर एक सारी सरकारें अलायंस की थी, मैंने मनमोहन सिंह जी के काम साथ काम किया था अलायंस सरकार की, उसके पहले देवेंद्र गोड़ा जी के, उसके पहले गुलदार साहब की, उसके पहले जय सिंह की, उसके पहले उसके बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की दो सरकारें थी अलायंस सरकार, अलायंस सरकारें ठीक चलती है, एक आध बार फिर भी जाती है, लेकिन वो ये मतलब नहीं पूरी बहुमत की पूरी अक्षरित की सरकारें गिर जाती, उसकी कोई चिंता नहीं, हमें आज ये देखना है इस चुनाव में मोदी को हम कैसे रोकें, 20 साल से हम लगातार कोशिश करें, हम आपने बाकी जो बातें की वो सारी बहुत अहम बातें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा माइनॉरिटीज़ का कोई नुमाइंदा इनडायरेक्टली काउंसिल या राज्यसभा में भेजने की कोशिश करें, अब हम अपनी पार्टी में से किसी को भेजते हैं और आपको चाहे पसंद आए चाहे ना, मैं जब जब मैं मुझे आ रहा था जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मैंने एक राज्यसभा में माइनॉरिटी का गवर्नर नॉमिनेशन में एमएलसी बनाया, हमने कुछ टिकट दिए, एक मंत्री बनाया, पहले नहीं बनाया तो बाद में बनाया मंत्री, कि भाई मराठी भाषी मंत्री जी आप किसको बताया आप जानते हैं, मंत्री बनाया, तो ये हमने कोशिश तो की, सोनिया जी खुद चाहती है कि भाई न्याय मिले, लेकिन वो क्या बात है कि न्याय देते देते कुछ गलतियाँ हो जाती है, कुछ सही चुनाव नहीं होते, जो इसमें पोटेंशियल है नेतृत्व करने का, इसमें कायदत करने का जिसमें वो है ताकत है उसको बढ़ाना चाहिए, अब किसी को ऐसे दे दो जिसका सब खत्म हो गया समय पर, ठीक है जिसने मुझे कुछ मदद की थी उसको मैंने कर दी, मतलब बात बता दी, ऐसे नहीं, जो अच्छे नौजवान अच्छा बोलते हैं जो सेक्युलर है, मतलब वो पूरा आपसे भी कुछ उनकी बात अलग से कहें, आप लोगों से भी नहीं, मैं बिल्कुल सेक्युलर बातें करूँगा, इस तरह से जो सेक्युलर आदमी पूरे देश में सभी पार्टी में चल सके ऐसे आदमी को बढ़ाने की जरूरत है, शायद हमारी पार्टी ने पूरी नहीं उठी खरीदी होती मैं मानता हूँ, हमने खाना पूर्ति तो कर दी,
हमने 6 में से एक माइनॉरिटी का राज्यसभा मेंबर बनाया, 6 में से एक को दिया हमने, वो अली को दिया था मैंने। आपसे आपको उसको वो ना कहें कि भी ये कभी इसको क्यों दिया, ये कह सकते हैं हमने क्या किया भी रीजनल बैलेंस करने के लिए, हमने कुछ वो हमने किया, लेकिन चुनाव लड़के जो आ सके उनको जो बढ़ाना चाहिए, उनको माना में कोई वोट दे के कुछ ताकत दे के आगे बढ़ाना चाहिए। अब आप जाते शेख साहब को मदद चीज़ें बनने के, माइनॉरिटी का सर्विस दिया था, अब चुनाव में नहीं जीत सकते, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी कि ये कहेंगे कि नहीं माइनॉरिटी को कि जीतता ही चुनाव और वोट ही टिकट ही मत दो, ये गलत बात। तो आपने जो बातें कही हैं बहुत सही बातें हैं, मैं इंशाल्लाह मैं बिल्कुल मुझा मुझे पता है कि हमारी सरकार आएगी और इसके बाद जो हमारे माइनॉरिटी के जो हमने जो प्लान बनाया थे कुछ बनाया थे, मुझे याद है कि हमने पॉलिटिकल जो यूनियनशिप चालू की थी, हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाए थे, वैसे भी बहुत सारे किए थे, हमने कोशिश पूरी की है कि न्याय मिले और बहुत करने की ज़रूरत है मैं मानता हूँ, और रियल ज़रूरत है कि हर एक ज़िले से हर एक इलाके से एक अच्छी लीडरशिप करने वाले लोगों को आगे उठाना सही का। आज अगर मैं खुद भी देखूँ कि हमारे हर एक ज़िले में माइनॉरिटी के लीडर कौन है, नहीं हमने बहुत सही बात है उनको हमको गौर करना पड़ेगा, दोनों पार्टियों को, राष्ट्रवादी को भी करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा। लेकिन आज की हमारी लड़ाई जो है, अगर कहीं गलती से हम चूक गए, देश की जनता चूक गई, ये आदमी फिर से हो गया, तो बातचीत आगे इसका कोई मतलब नहीं, ये कोई मतलब नहीं, इसका तो एक ही कहना है कि तुम निकल जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें बीफ के बारे में करके तुम्हें मार दो, ये काउ विजिलेंटी वाले हैं, ये झुंडबड़ी वाले हैं, ये मॉब लिंचिंग वाले हैं। और उसको सबसे बुरी बात क्या, एक आध घटना इतने बड़े देश में घटती रहती कोई फ्यूचर की बात है, लेकिन जो वजीर आजम है उसकी जिम्मेदारी है कि कम से कम वो एक आध ट्वीट तो कर दे, उसकी गलत बात हुई इसको मैं अच्छा नहीं करता, इसको नहीं करना चाहिए, नहीं करता, ये तो दिन में 10 ट्वीट करता है, लेकिन वो इसके बारे में ऐसे कोई घटना घटती तो किसी को मना नहीं करता, क्या क्या बातें कर रहे वो दोहराने लायक नहीं बात। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।